करवा दो ना, मैं वहाँ 3D में पढ़ूंगा मम्मी। मेरे सारे दोस्त वहाँ जा रहे हैं, मुझे भी वहाँ एडमिशन करा दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी प्लीज। 3D? ये 3D क्या होता है? ए जी सुनते हो? हाँ। देखिए गोलू क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पता नहीं कहाँ से ये सुन के आया है। बोल रहा है 3D में पढ़ाई करूँगा। ये 3D क्या होता है जी? हम तो 3D सिनेमा जानते थे, अब पढ़ाई भी 3D में होने लगा। हमारे जमाने में तो खाली ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर से पढ़ाई होती थी, अब 3D में कैसे पढ़ाई होगी? अरे अंकल आपको नहीं पता 3D मेटावर्स क्या होता है? मैं बताता हूँ, 3D का मतलब होता है 3B मकान। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हाँ हाँ बेटा समझाओ तो। मान लीजिए अभी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे किताब से या वीडियो से समझते हैं, पर उसे फील नहीं कर सकते। लेकिन अब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, हम बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड घूम सकते हैं। दिल दिमाग फेफड़ा आँख कान कैसे काम करता है अब हम उसको फील कर सकते हैं। जो भी दुनिया में आपको जाना है वैसा वातावरण बनाकर आप जा सकते हैं। इसके अलावा एकेडमी में वीडियो गेम से पढ़ाई होती है, 3D एनिमेशन, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास से पढ़ाई होती है। जिस कंसेप्ट को हमें पढ़ने और समझने में 1 घंटा लगता है, उसी चीज को एकेडमी हमें 3D क्लास से 5 मिनट में समझा देती है, और ऐसा समझाती है जो हम कभी भूल नहीं पाते। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और क्या क्या है वहाँ? इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैंने तो एडमिशन करवा लिया है अंकल, गोलू का भी एडमिशन करवा दीजिए। अच्छा अब मेरे क्लास का टाइम हो गया है। बाय गोलू, बाय अंकल, बाय आंटी। बाय बेटा। अरे वाह, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ गोलू की पढ़ाई के लिए। ए जी गोलू का आज ही एडमिशन करवा दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे गोलू। हाँ पापा। चलो चलो आज ही तुम्हारा एकेडमी में एडमिशन करवा देता हूँ। ये थैंक यू पापा, थैंक यू। अब मैं भी अपने दोस्तों के साथ एकेडमी में पढ़ूंगा पापा, थैंक यू। पता तो याद है ना जी। हाँ हाँ क्यों नहीं। एकेडमी ट्यूशन सेंटर 3PM MIG 84 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बराड़ी भागलपुर नियर शिव मंदिर चंपारण मीट हाउस।